एक नौकर से इतना प्यार, ये देख के मेरा प्यार आपके लिए और बढ़ गया, बल्कि डबल हो गया। तिवारी जी ये लो, नफरत का चूर्ण है, सामने वाली पार्टी को चेप देना। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, नारियल पानी लीजिए। हमें नहीं पीना आपका नारियल पानी। नारियल पानी हमको है ना आपसे कुछ बात करनी थी। ओ भाभी जी, ये जो लड्डू के भैया है ना, ये 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड का अपना बर्थडे। मैंने कहा भाभी जी अगर आप किचन में हैं तो अंदर आ जाऊं? अंगूरी जी, कोई बैंड बज गया। विभू, बर्थडे पार्टी तुमको तो मैं बाद में देखूंगी। तिवारी जी आप तो 1 महीने के लिए घर से बाहर थे। भाभी जी दरअसल वो हम हाँ भैया तिवारी, आजा आजा। ये कौन है? जा बड़े लोगन को औरतें पटाने की पुड़िया बेचत फिर रहा है ना। अब बेटा हवाला चल के आराम से पुड़िया बनाइयो, पता ही बेचियो। आए भैया तिवारी, देख लो गौर से, जो कोई बाबा बाबा नहीं है, 2 कौड़ी को ठगे जो। तिवारी तुमने भी तो इसे वशीकरण की पुड़िया खरीदी थी ना? वशीकरण। वाह, वशीकरण। कितनी गर्म चाय है यार। आज एक मन चले पड़ोसी को उस वक्त मोहल्ले वालों ने जमकर धुलाई की जब वो पड़ोसन के किचन में घुसकर उसे छेड़ रहा था। तभी पड़ोसन ने हल्ला मचाया। यार ये टीवी चैनल वाले और अखबार वाले ना, बेचारे मनचले पड़ोसियों के पीछे पड़े हुए, जैसे कि इन्होंने कभी किसी पड़ोसन को ताका ही नहीं है अपनी। सपट चिपकन चिपकाता है हर टूटी फूटी चीज को। अगर आपका भाग्य फूट गया हो, आपका दिल के टुकड़े टुकड़े हो गया हो। मतलब ये फूटे हुए भाग्य और दिल के टुकड़ों को भी चिपकाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ये तो चिपकाता है टूटी फूटी कांच के चीजों को, लकड़ी के मेजों को और प्लास्टिक के चीजों को, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहिए, कहीं आपके हाथ में न लग जाए। अगर हाथ में लग गया तो? अबे चुप, पक कर रहा है, बोल रहा हूं ना। अगर हाथ में लग जाए तो बेटा 5 मिनट तक किसी से हाथ मिलाने की गलती ना करना। अगर हाथ मिलाए ना तो 3 दिनों तक उससे चिपके रह जाओगे। और अगर हाथ किसी खूबसूरत औरत से चिपक जाए तो फिर मौजा ही मौजा। अगर ये सच है तो फिर तो हम चिपकेंगे। रास्ता काट दिया यार। कहाँ जा रहे हो? चिपकने। क्या? I mean, वो मेरा शू फट गया, उसको चिपकवाने जा रहा हूँ। Oh, that's great. Actually, मेरी भी सैंडल टूट गई है, जरा उसे भी ठीक करा देना। डार्लिंग, मैं तुम्हारी चप्पल लेके जाऊंगा तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे मुझे, कि मैं अपनी बीवी की चप्पलें उठाता हूँ? Can you believe this? तारीफ करेंगे तुम्हारी कि तुम अपनी बीवी की सैंडल उठाते हो, किसी पड़ोसन की नहीं। मैं तुम्हारे नखरे उठाता हूँ, घर के जूठे बर्तन साफ करता हूँ और कभी कभी खाना भी बनाता हूँ और रात को हमेशा कर्टन ड्रॉ करके तुम्हारे पैर दबाता हूँ रोज। वो तो क्या हो गया, एक बार पैर दबा दिया तो इतना जता क्यों रहे हो? एक बार नहीं, रोज दबाता हूँ। पड़ोसी बोलते बड़े रोमांटिक हो, तुम्हारे पर्दे हमेशा खींचे रहते हैं। उन्हें क्या पता कि मैं पर्दे करके पैर दबा रहा हूँ तुम्हारे यार। हाँ तो इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि पति को पत्नी की सेवा करनी चाहिए। मैडम आपके पास जो ग्रंथ है ना, गलत प्रिंट किया हुआ ग्रंथ है। एक्चुअल ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। That's a duty that she's supposed to look after him. Yes, of course. तो सैंडल्स कहाँ रखे हैं तुम्हारे? कबर्ड के सेकंड ड्रॉर में, सिल्वर कलर के हैं। हील्स ठीक करा देना दोनों। I love you. Love you too. सही चीज है यार। और मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ भरभूति जी। कैसन बा? I'm fine बा। I mean I'm fine, I'm fine. आप कैसी हैं? ठीक बा। हाय। ठीक बा। बाहर तिवारी जी मिले थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपके खाने की, कह रहे थे कमाल खाना बनाया था आपने। तो मुझे लगा कि मैं भी बधाई दे दूं आपको, हाँ कि कमाल खाना बनाती है, बड़ा लजीज खाना बनाती हैं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। इट्स नॉट थैंक यू, इट्स थैंक यू भाभी जी। हाँ सही पकड़े हैं। लेकिन आप नहीं पकड़ पा रही है ना भाभी जी। क्या बोले? मैं आपसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हाथ नहीं मिला रही मुझसे। आइए ना। हम आपसे हाथ ना ही मिला सकते हैं। क्यों? वाय? काहे कि हमारे हाथ में आटा लगा है। नेवर माइंड, धो लीजिए हाथ, मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छे कैंस धो के आते हैं। हाँ, पानी इधर है, यहाँ मिला लीजिए। हमारे हाथ में भी कोई कांटे नहीं लगे हैं जनाब। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं आप? हाथ मिलाने को कहा था सो हमने हाथ मिला लिया। चलिए अब जाइए। अरे हाथ तो छोड़िए। नहीं छूटेगा ये हाथ। क्यों 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 नहीं छूटेगा? क्योंकि इसमें गम लगा हुआ मेरे हाथ में। क्या बक रहे हैं आप? मैं जूता चिपका रहा था अपना, तो वही गम मेरा ख्याल है मेरे हाथ में लगा रह गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चिपका भी तो किससे चिपका? कोई बात नहीं, जरा खींचिए, शायद छूट जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए। खींचिए ना। खींच रहे हैं यार, खींच रहे हैं। चलिए ऐसे आइए। क्या कर रहे हैं? अरे हाथ दुख रहा है भाई। आइए 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 आइए। ओह क्या कर रहे हैं? क्या मेरा हाथ दुखाड़ेंगे क्या? तो हमारा हाथ दुखाड़ेंगे क्या आप? चलिए चलिए हमारे चलिए। अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? चलिए अरे चलिए एक मिनट, चलिए चलिए चलिए। ओह ओह ओह। मैं डर गई थी। आपने तो हमको डरा दिया। ये आप क्या कह रहे थे? दंड पेल रहे थे? अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, एक्चुअली मैं योगा कर रही थी। इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। ऐसे क्या होता है? अरे सूर्य नमस्कार ना इस फुल बॉडी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड सर्कुलेशन। मैं तो कहती हूँ अगर आप भी करेंगी ना तो सारी बीमारियाँ फुर। आप हमको सिखाएंगी का? ऑफ कोर्स मैं आपको सिखाऊंगी। हाय भैया, हम तो ये पूछने आए थे कि लट्टू के भैया यहाँ पे आए थे का? तिवारी जी? नहीं नहीं, वो तो यहाँ नहीं आए। पता नहीं भरभूति जी उनको कहाँ लेके चले गए हैं। अरे अंगूरी जी आप क्यों टेंशन लेती है, दोनों मिलकर कहीं तफरी कर रहे होंगे। अरे जय भोलेनाथ। क्या बात है, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। वाह 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 वाह, अच्छा हुआ दोनों भाभियाँ एक साथ में मिल गई। कहीं ना कैसे आना हुआ। दरअसल बात यह है भाभी जी की आज एक बहुत ही अच्छा संजोग है। 25 साल बाद चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति से मिल रही है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भाभी जी कि आज के दिन पति पत्नी दोनों साथ में बेड पर लेटकर। पंडित जी क्या बात कर रहे हैं आप, ये सब मत बोलिए यहाँ पर। नटखट हैं आप। हाँ? अरे आप समझे नहीं भाभी जी, देखिए बात ये है कि आज के दिन पति पत्नी साथ में बेड पर लेटकर एक दूसरे से संस्कृत के श्लोक में बात करेंगे तो दोनों की जोड़ियां 7 जन्मों तक बनी रहेगी। भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पंडित जी हमको संस्कृत ना ही आता। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम किस मर्ज की दवाई भाभी जी, लाए हैं ना हम साथ में। ये देखिए भाभी जी, ये रहे दो आप दोनों के लिए संस्कृत के श्लोक, प्रेम ग्रंथ वाले, और ये भाभी जी आपके लिए। तो ठीक रात को 12 बजे आप लोग संस्कृत के श्लोक में बात करेंगे, प्रेम ग्रंथ के। वैसे अंगूरी जी सच बताइए, आप इन सब बातों पे यकीन करती हैं? हाँ काहे नहीं करते, हम तो करते हैं। अरे आप नहीं करते? मैं तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं मतलब करती हूँ थोड़ा थोड़ा, और एक्चुअली इतना रोमांटिक आइडिया है तो अच्छा है। हाँ तो कोई बात नहीं, इसी बात पे थोड़ी दक्षिणा हो जाए। अरे हाँ, हम दे देते हैं। लट्टू के भैया से बहुत प्रेम करते हैं। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद भाभी जी, हमने कहा था ना कि आज अच्छा संजोग है। जय भोलेनाथ। नमस्ते नमस्ते। हाँ अंगूरी जी आप भी। वैसे अंगूरी जी आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है ना? आई लव हर वेरी मच। Oh, so cute. You mean you love him very much? हाँ सही पकड़े हैं। वैसे रोमांटिक आइडिया है, मजा आएगा। चिपके चिपके रात दिन आंसू बहाना याद है, याद राम के लौंडे को सबक सिखाना याद है, चिपके चिपके रात। तू तो वही है ना जो लैला की उंगलियां बेचा करता था? हाँ वही हूँ। तो अब क्या मजनू के अंगूठे बेच रहा है? तिवारी जी तो मजनू के अंगूठे बेचे या रांझे के नाखून, आप पंचायत क्यों कर रहे हैं यार? तो भाई तेरा ये सपट चिपकन है ना, इससे हाँ। हम दोनों के हाथ चिपक गए, छुड़ाए कैसे? अरे भैया सपट चिपकन से कुर्सी चिपकाने का काम किया जाता है, तुम लोग आपस में चिपके घूम रहे हो। अरे अब क्या बताएं, ये सब इनकी बेवकूफी की वजह से हुआ है, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है ऐसे वाहियात आदमी से चिपकने का। माफ कीजिएगा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे घटिया आदमी से चिपकने का। तो फिर आप मेरे घर में क्यों पधारे? भाभी चिपकने आए थे। क्या बोले? भाई हमारे हाथ में सपट चिपकन लग गया था, छुड़वाने आया था भाभी से, आप बीच में चिपक पड़े। तू कौन मैं खाम खां। मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी आपके गुर्दे में दर्द होता है आप मेरे घर में क्यों पहुंच जाते हैं? सुकून मिलता है। सुकून? जी मेरा घर कोई आश्रम है? अरे सुकून लेना तो आश्रम में जाइए, सुकून मिल जाएगा। अच्छा बेकार की बातें छोड़िए, अबे तू क्या आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, बताना छुड़वाए कैसे? भैया अब खेल हो गया, अब कम से कम 2 से 3 दिन तक तो ये छूटेगा नहीं है। तब तक आपस में एडजस्ट कर लो। 2 से 3 दिन? तो तब तक क्या हम ऐसे ही चिपके रहेंगे? अरे भाई ऐसा मत कर, छुड़वाना भाई। अरे भैया हम कैसे छुड़वाएं? हम खुद ही 2 दिन से चिपके बैठे हैं यहाँ पे। तू कहाँ चिपका है बे? अच्छा जरा साइड होइए। देखिए ये सब याद नाम के लौंडे की काली करतूत है। मैं लहू शंका करने के लिए गया था, इतने में बंदे ने खेल कर दिया। अब 2 दिनों से मैं यहां पे चिपका हूं, अपनी तशरीफ को कुर्सी से चिपकाए घूम रहा हूं। तो नित्य क्रियाएं कैसे करते हैं? छेद कर रखा है कुर्सी में। हाँ वो भी देखेंगे क्या? तिवारी जी मैं बाहर रह गया यार। ओहो आप भी हैं, आइए आइए चलिए बंद कीजिए। तो ये स्मेल आपके पास से आ रही है? माय गॉड आप नहाते नहीं है क्या? अरे तो आपके बदन में से कौन सी केवड़े की खुशबू आ रही है? एक्सक्यूज मी, मैं रोज नहाता हूँ और नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाता हूँ और ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाता हूँ। जिनके बदन से बदबू आती है वही ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे? काहे लड़ रहे हैं इतना जोर जोर से? अरे अंगूरी इस आदमी की वजह से मेरा हाथ इस आदमी के हाथ से चिपक गया। वो कैसे? अरे ये आदमी अपने हाथ में गोंद लगाए घूम रहा था। हाँ दिया, भरभूति जी आप अपने हाथों में काहे गेम लगाएं? अभी इट्स नॉट गेम, इट्स गांव। सही पकड़े हैं। लेकिन मैंने गलत पकड़ लिया ना। क्या बोले? एक्चुअली हुआ ये कि वो मैं अपने जूते में ना गोंद लगा रहा था, वो मेरे हाथ में भी लग गई और हाथ में लग गई तो फिर वो उससे इनमें लग गई। भाभी जी कुछ खाने के लिए है क्या? भूख लग रही है। बना रहे हैं। अरे हमने कोई होटल नहीं खोल रखा है। अंगूरी हमारे नहाने का इंतजाम करो, हमें नहाना है। चलो ठीक बात। हेलो हेलो सुनिए सुनिए, लेकिन मैं आपके साथ बाथरूम में नहीं जाऊंगा। जी नहीं। अरे सुनिए अरे क्या तो आपके चक्कर में क्या हम नहाए भी ना? आई डोंट केयर, लेकिन मैं आपके साथ बाथरूम में नहीं जाऊंगा। भरभूति जी आप जाइए ना, ईका है ना, ईक कभी कभी नहाते हैं 3 दिन के बाद, आज 3रा दिन है नहाने का, तो अगर ये नहीं नहाएंगे तो इनको वो अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रा? अरे वो एलर्जी होता है। हाँ सही पकड़े हैं, अब वो 6वें दिन नहाएंगे, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। बाथरूम कहाँ है? ऊपर है। हाय तिवारी जी कर क्या रहे हैं आप? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली आप नहीं नहा सकते। क्यों हम कोई टेप रिकॉर्डर हैं जो नहाते ही खराब हो जाएंगे? जी नहीं, आप कपड़े कैसे उतारेंगे? हम काट के फेंक देंगे कपड़े और क्या। और उसके बाद पहनेंगे कैसे? पहनेंगे टेल मी। ये तो हमने वाकई नहीं सोचा। कैसे सोचेंगे? आपकी अकल तो कच्चे बनियान बेचने गई हुई है। देखिए आप अपने आप को ज्यादा आइंस्टीन बनने की कोशिश ना करें। इट्स नॉट आइंस्टीन इट्स आइंस्टाइन। हाँ हाँ ठीक है। लड्डू के भैया काहे अब तक गए नहीं आप नहाने? अरे कैसे नहाने जाएं? इस हालत में कपड़े कैसे पहनेंगे और कैसे उतारेंगे? हाँ, हम आपको कंबल उड़ा देंगे ना। अंगूरी तुम भी ना एकदम आइटम हो। भरी गर्मी में हम कंबल उड़ के घूमेंगे? वैसे हमको इतना पसीना आता है। मुझसे पूछिए, मतलब इतना पसीना आता है कि बदबू के ये अंबार बने हुए हैं। भाभी जी कोई आपके पास स्प्रे होगा क्या? हाँ हमारे पास है, हम अभी लाते हैं, ये लीजिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ये कॉकरोच मारने वाला स्प्रे है। खा रही। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। I can't believe this. तुम अपने हाथों में गम लगा कैसे सकते हो विभू? और मान लो अगर लग भी गया गम, तो तिवारी जी से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? डार्लिंग, मैंने हाथ नहीं मिलाया था इनसे। He forced himself, ये कूद पड़े अपने आप। कॉमन सेंस भी कुछ होता है। तुम तो मना कर सकते थे ना। इसे ही कह रही है, लड्डू के भैया को आपने काहे नहीं बताया कि आपके हाथों में गेम लगा हुआ है। भाभी जी, इट्स नॉट गेम, इट्स गम। GUM गम। सही पकड़े हैं। अरे बिल्कुल गलत पकड़े हैं। इन्होंने गेम ही तो खेला है मेरे साथ। गेम तो आपने खेला है मेरे साथ। इतनी छोटी सी गलती की मुझे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखा देखा आपने, अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। अब आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। है? कैसी कीमत? मेरे पेट में आ रहा है प्रेशर और मुझे इंडियन टॉयलेट लगता है हल्का होने के लिए। फॉलो मी। नहीं 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 नहीं। ये क्या करेंगे भरभूति जी लड्डू के भैया के साथ? दया,